अमेरिका, तो किसको साथ लेके गए? पूरी जो अस्करी क्यादत है वो खान साहब के साथ गई है। तो ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब उनके साथ गए हैं एज सिलेक्टेड वजीर आजम या वो गए। तो जिस इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो जाके अकलौता अगर पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट कर सके, जिसकी इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि उसको अपने साथ लोगों को ले जाना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए। मैं ये सब भूलना चाहता हूँ, मुझे भूलने दो यार इनको, मुझे मेरी मदद करो कि मैं इनको भूल जाऊं, और जख्म ना लगाओ मेरे ऊपर, और मेरे दिल पर और जख्म मत लगाओ कि ये जख्म बढ़ते चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अपने इस गुस्से को या दुख और तकलीफ को ये ऐसे पॉइंट पे ले जाऊं जहां जो है मेरे जज्बात मेरे अपने भी जो काबू से बाहर हो जाएं। लेकिन ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है। बंद कर दो अब इस सारे कारोबार को, खत्म करो, तौबा करो अल्लाह से, अल्लाह हमने ये गलतियां की हैं, माफ कर दे अल्लाह हमें। शर्म आनी चाहिए। और दुनिया सिलेक्टेड वजीर आजम से बात नहीं करनी, दुनिया को पता है कि किससे कांटेक्ट करना है, तो उससे रब्ता करके मांगने का क्या फायदा जो बेचारा खुद बेबाक। शर्म आनी चाहिए। इस जिम्मेदारी को लाड़काना कराची पिशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम जमाई में प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं शर्म आनी चाहिए। तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है, पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ में पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं, क्योंकि इनको शर्म आनी चाहिए। ये कौन बेचारी